अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। तो उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे, हम भी खैरियत से हैं। तो ये है शमीम फैमिली चैनल, आपको ये दिखाते हैं। तो कुछ घर में गेस्ट आए हुए हैं, आज ये मेरा भांजा आया हुआ है, कुछ और भी फैमिली आई हुई, तो आप लोगों को दिखाते हैं हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे हो रहा है। एक और आ गया, हमारा मेहमान आ गया। ये मेहमान ये मेरा ख्याल आसमान आ गया है। अच्छा अच्छा, आ जाओ सामान भी, आ जाओ जी, आ जाओ, अभी चेहरे और ले आओ इधर, आप भी आ जाओ मीटिंग में इधर। आज माशाल्लाह बहुत बड़ी मीटिंग है। अच्छा, इधर मीटअप बाहर रख दो, बाहर रख दो। आओ जी सामान भाई, क्या हाल है बेटा, क्या हाल है बच्चे, आ गए भाई इधर, और कुछ ले आओ ना बैठने के लिए। व्यूअर्स, ये मेरा बैग है जो मैंने वापस लेके जाना है अपने गांव। ये देखो, अभी अभी हमने नाम लिया था, इसका बेचारे का सामान वापस आ गया है। तो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। आंटी स्वीम के चैनल पे आपका वेलकम है। तो मैं आया हूं इनके पास, मुझे 5-6 दिन हो गए, तो पहले तो व्लॉग बनाने का टाइम नहीं मिला, मेरा लेंस ख़राब थे और आंटी भी बहुत बिजी थी, ज़मीनों पे गई थी, जो भी इनकी मसरूफियात थी उसकी वजह से व्लॉग नहीं बन सका। अभी वापस आई हैं, तो अभी इस टाइम ज़रा कोई सुकून मॉल मिला है, ऐसे ही आंटी अभी आप फ्री हुई हैं, तो अभी हम बना रहे हैं जी व्लॉग। और ये हमारी आंटी हैं, आप बताएँ आंटी अपने बारे में। जी मैं आंटी शाजिया हूँ, और मैं भी बाजी की तरफ आई हुई हूँ। किराए में मुझे कम से कम महीना 2 हो गए हैं, और जाने का मैं नाम नहीं ले रही हूँ। जो भी आता है उसमें जाने का दिल नहीं करता, क्योंकि यहाँ हमें प्यार बहुत मिलता है ना, इसलिए हम उसमें जाने का दिल नहीं करता। इधर मेहमानबाजी होती रहती है ना माशाल्लाह। ये हमारा नया न्यू कमर, ये भी ब्लॉगर बनने वाला है इंशाल्लाह। सोई बात नहीं है ना। हाँ जी, करो सलाम दो लोग, अच्छा भी रहना चाहिए। करो, कौन हो तुम? मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस दिखाओ ना यार, शुरू कर। हाँ तो भी बस, आज बहुत शानदार बातें होने वाली हैं और बहुत प्यारी डिस्कस होने वाली है, आप लोगों को दिखाएंगे, तो आप लोग देखिए कैसी है। ये रून भाई तशरीफ ले। जैसे कि आप कराची गई थी, आप काफ़ी मशहूर थे, पहले टाइम नहीं मिला पूछने का, तो वहाँ पे आपने आपके व्लॉग्स नहीं आए, हम लोग वेट कर रहे थे। असल में जो बेटा वो बात ये है कि जो मेरा कराची का था ना, वो हम गए थे, मेरी टिकट हुई थी आने जाने की जी, तो ये मसला बना कि मैं उधर जो कोई मेरा कोई बिजनेस के बारे में गई थी, तो वहाँ मैं गई हूँ, तो नाल फैसल भी था, अरुण भी था, तो हम गए हैं, तो रात को ही हम सुबह पहुँचे हैं, तो आगे वो बंदे खड़े थे जो जिन लोगों के साथ काम था ना, वो आगे लेने के लिए आए थे। जब हम उन लोगों के साथ गए, 2-3 घंटे उन लोगों के साथ नाश्ता किया, तो जो हमारी डिस्कस थी वो हमने किए करके, तो फिर ऐसे ही वो मुझे छोड़ के वापस गया, साथ बच्चे भी थे। तो अब मैं वापस आए हैं, तो मेरा टाइम ही नहीं मिला कि उधर मैं ब्लॉग बना लूँ। वापस आए तो मैं हमारा जल्दी से वो फ्लाइट वापसी आने की थी, तो वो हम वापसी ऐसे आ गए, इस तरह ब्लॉग नहीं बना सके। तो वो थोड़ा सा मेरा मसला ये था बेटा, कुछ उधर मेरा काम ऐसे था कि हमारा कुछ ना उधर बिजनेस किसी के साथ था, कोई प्रॉपर्टी का मसला था उधर, तो प्रॉपर्टी का था ऐसे कि वो जो अरुण का पापा है ना, उसको मैंने काफ़ी दफ़ा कहा है कि चलो आओ वो ना मेरा कोई मसला है हल कर दे। 3-4 दफ़ा मैंने कहा कि वो मसला है उसको हल करना, आपके वो सिग्नेचर की ज़रूरत है ऐसी। तो वो कुछ ना ऐसे अपने आप से ना बहुत बड़ा समझने लग गया कि मेरे से बगैर ये काम नहीं होगा। तो मेरे पास सारे पेपर थे, वो पेपरों से फिर मैंने सारा फ़ायदा उठाया। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, हाँ तो विवाद आप लोगों को दिखाऊँगी, ये पेपरों ने मेरा सारा काम किया है। दिखाना तो हक नहीं बनता, वरना वो कुछ मसले भी ऐसे हैं, करने भी पड़ते हैं मुझे। नहीं कोई बात आने दो। तो छोटा बेटा था दील, जो उसका बर्थ सर्टिफिकेट है, पेपर की ज़रूरत थी। और ये अभी सनी जो डेथ हुई है, ये उसके पेपर थी, ये उसके पेपरों की ज़रूरत। ये जो बच्चों का बाप है, उसका मेरे पास आईडी कार्ड था, वो मेरे साथ फिर वो ऐसे नहीं आ रहा था, तो ये आईडी कार्ड से फिर मेरा काम चल गया, जिधर मैंने वो उसकी करना था काम था मेरा, इस कार्ड से फिर चल गया। ये मेरा अपना कार्ड था, ये मेरा अपना कार्ड था, ये इसके बाप का कार्ड है, अरुण का कार्ड है, वो भी ये साथ है, अरुण का भी दिखाती हूं। तो ये कार्ड्स के जरिए देखें आंटी ने काम अपना करवा लिया है, आंटी के साथ कोई हो या ना हो, लेकिन आंटी अपना काम कर रही है। ये मेरे छोटे बेटे हरुण बेटे का कार्ड था, इस कार्डों में ये आप देख रहे हैं कि ये 3 मेरे पास आईडी कार्ड हैं, ये 3 बंदों के, मम्मा पापा का और बेटे का, वो दूसरे बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट थे, वो जो कुछ मेरी ये मेरे पास सारे जो पेपर थे बच्चों के, इस पेपरों के, फिर मैंने ये काम जो है ना पेपरों से लिया है। कुछ आईडी कार्ड मेरे पास थे, वो 1 नंबर थे, 2 नंबर नहीं थे,
तो उसकी वजह से ना मेरे सारे जो है ना वहाँ के बेटा काम हो गया मेरे जो वहाँ मैंने करवानी थी, उन लोगों ने फिर मुझे फौरन जो है ना जैसे मेरा काम हल होता गया ना सिग्नेचर लिए तो उन लोगों ने बोला कि आपको हम कुछ पेपर उन लोगों से मैंने लेने थी, उन लोगों ने फिर कहा कि हम इधर आपको नहीं छोड़ेंगे बाहर, हम आप लोगों को अंदर छोड़ के आएंगे कि इधर नहीं है कोई ऐसा मसला बन जाए तो आप लोग कहेंगे कि हम लोगों ने किसी ने किया, इसलिए फिर वो मुझे अंदर ही छोड़ के गए। लेकिन आपके पास टाइम भी नहीं था जितना आपके काम थे ना, वो टाइम काम अब लोग कैसे बना सके कैसे वो, और फिर टाइम ही नहीं मिला बनाने का एक महीने का, फिर दोबारा उन लोगों के साथ टाइम है कुछ मेरे जो पेपर वर्क वो रह गई है वो एक महीने के बाद वो जो है ना दोबारा मसला हल होना ये तो मैं करके दे ही हूँ, तो बकाया फिर जो है ना एक महीने बाद जाना फिर इंशाल्लाह मैं ज़रूर वहाँ का व्लॉग भी बनाऊँगी और एक दिन पहले जाऊँगी इधर वो इमरान खान का उस वक्त जलसा था यही था भी पता नहीं 5-6 दिन के लिए ये सब कोई चीज़ें बंद हो जाएंगी इसलिए फिर मैंने जल्दी आने जाने की टिकट करवाई थी। जैसे आप वापस आई हैं अगले दिन वो देखे ना वो भी इतनी मुश्किल से आई थी, रास्ता बंद हो गया था, बच्चों को तो घर में बुलाया नहीं था, फिर हम वहाँ से उबर करवा के आए, गाड़ियाँ आ भी नहीं रही थी, बहुत मुश्किल से सारे रास्ते बंद हो गए। मैं भी उसी दिन का फंसा हुआ यहाँ पे, लेकिन अब रास्ते खुल गए तो बना देते हैं। ये वजह हमने व्यूअर्स को दिखानी थी कि वहाँ पे क्यों नहीं ब्लॉग आया, कुछ लोग कहते हैं आप कराची गए हैं तो आपने क्यों नहीं ब्लॉग बनाए, तो ये असल वजह थी जो आंटी ने आपको बताई अपनी टाइम शॉर्ट की वजह से। हाँ टाइम शॉर्ट की वजह से मैं नहीं बना सकती हूँ ना, इसलिए इंशाल्लाह नेक्स्ट एक महीने बाद फिर दोबारा है तो वो जाऊँगी फिर इंशाल्लाह ज़रूर आपको दिखाऊँगी भी क्या मेरा काम था क्या उधर था, ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया, कोई बच्चों की प्रॉपर्टी थी उधर थोड़ी बहुत थी उसके पीछे मैं गई थी, वो प्रॉपर्टी जो है वो मैंने जो क्लियर कर ली है, जो कुछ लोग कहते थे कि पता नहीं हमारी वजह से ये प्रॉपर्टी क्लियर नहीं होगी, तो अल्लाह ताला ने मुझे हिम्मत और ताकत दी है वो मैंने कर ही ली है। कई लोग सोचते हैं कि पता नहीं हमारी वजह से ये काम नहीं होगा, ये ऐसा कोई भी नहीं है, कोई टाइम भी नहीं है, कोई ऐसा बंदे का नहीं है, क्योंकि क्यों आप बताएं ऐसा तो कोई बंदे के बगैर काम रह जाता है, नहीं ऐसे नहीं हो सकता, देखिए हो सकता आप है करना चाहे कुछ भी कर सकते हैं, वरना वहाँ मैंने लॉयर किया ये जो इसके सनी के पापा के सिग्नेचर है ना वहाँ बस कहता है कहना कि मैंने ऊँची बोलो थोड़ा सा बात लगा लेकिन बस घुमा फिरा नहीं वहाँ पे बस गए बस बैठे और वापस आ गए काम से गए और काम से तो यही तो आगे जिंदगी है। आप अम्मी से कुछ सीख तो रहे हो ना कि कैसे करो बात। अभी आपने जब छोटे थे ना उस वक्त आपने भाई एयर का सफर किया है 7 साल के थे ठीक है, अभी आप हो गए 19 साल के, 7 साल तक जिसने बहुत सफर किया है ना, कभी चाइना में कभी थाईलैंड में साथ ही जाते थे ठीक है, तो अभी ये जिसने सफर किया है अभी बड़ा होके कराची का सफर इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है ना ये सफर ऐसे करता रहेगा फिर उसका सारा पता चल जाएगा। अभी ये कर रहा है जी अपनी प्रैक्टिस, इंशाल्लाह फ्यूचर में आगे इसने भी बहुत सफर करने हैं तो जरा इसको आंटी प्रैक्टिस करवा रही है कि ये भी देख ले आगे जाके इसने क्या क्या करना है, तो ये मेन मकसद होता है बच्चों को साथ लेके जाने का ताकि वो सीख के वो क्या कर रहे हैं, और अच्छी बात है ना जरा बिजनेस भी सीखेगा कि क्या काम करना है क्या नहीं करना, कैसे अपनी माँ का बाजू यही है तो जाहिर बता है हारू को आना चाहिए हर काम ऐसे ही है, ये हर जगह पे साथ होना चाहिए, मामा के साथ जाना आना चाहिए, जहाँ भी मामा की जरूरत हो वहाँ जाए माँ के साथ। जी व्यूअर्स ये थी आंटी के कराची के व्लॉग का यानी कि किस्सा जो भी वहाँ पे नहीं बना सके जो मसरूफियात थी, तो इसके अलावा मेरे ख्याल से आंटी और तो कुछ नहीं इसके बारे में एक्सप्लेन करने के लिए, बस नहीं यही करेंगे वरना वो दूसरा मैंने रोजाना लोगों कहती हूँ कि मैं अपनी स्टोरी सुनाऊंगी इंशाल्लाह ये व्लॉग के बाद, कल का शायद प्रोग्राम है गाँव जाने का, ये बच्चों का एग्जाम भी है तो फिर इंशाल्लाह मैं अपनी स्टोरी जो है ना रेगुलर शुरू करांगी और रोजाना की जो लोग मेरी सुनते रहे रोजाना की वो मैं कहानी सुनाऊंगी, जरा 1-2 दिन का वो फिर काम आ गया बीच में, कल ये बच्चों का एग्जाम हो रहा है वहाँ जाना है साथ, वहाँ कोई गांव में कुछ चीज़ें हैं वो जो ना काम है उधर वो जाना, फिर इंशाल्लाह जो नेक्स्ट है ना वो फिर ऐसे चलता रहेगा आना जाना होता रहेगा, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट जो ना वो कहानी सुनाते रहेंगे क्योंकि अभी तैयार भी हुए थे हम लोग जाने के लिए। ऐसे तो अभी आपकी इफ्तारी का टाइम हो गया तो आज मेरी लास्ट इफ्तारी है, आंटी रोजे भी रखती हैं शवाल के रोजे रख रही हैं आज खत्म, क्योंकि मैं साथ उस वक्त नहीं रखे रोजे रख रखे ना कि मेरी तबीयत बेटा बहुत खराब हो चुकी थी, ज्यादा बहुत वीक हो चुकी थी, फिर अभी शवाल के थी ये लेट हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह आज समझो मेरी मिनी ईद है छोटी, कल सुबह कल सुबह हो गया, आज मेरे जो है ना सी से रोजे शवाल के पूरे हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने मुझे हिम्मत और ताकत दी है, अल्लाह ताला सबको दे सबको तंदुरुस्ती सेहत दे, अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे, तो मेरी दुआ है सब बच्चों के लिए।
सब बड़ों के लिए दुआएं हैं कि अल्लाह ताला सबको सेहत तंदुरुस्ती दे। जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, बच्चे पास हो जाएं, ये हमारी बहुत बड़ी खुशी की बात है। जो बच्चियां बच्चे जवान हैं, अल्लाह ताला उन लोगों के नेक सालिया जोड़े बना दें। ये भी मेरी जो खसूसी दुआ होती है बच्चों के लिए, ये मैं मांगती हूँ कि बच्चों की जो है ना, हर जो बच्चे जो ना, जो हमने मुसीबतें देखी बच्चे ना देखें, जो हमारे बच्चे खुशियाँ ही देखें, इन लोगों को अल्लाह ताला खुशियाँ इतनी को दें कि हम जो है ना बच्चों की खुशियाँ देख के खुश रहे। तो इसके साथ दे दो, किसको? बहनों को भी दुआएं दे दो। बहनों को सब बहनों को भी देती हूँ, ये जब बहनों के साथ ही दुआएं होती है, बहनों की, भाइयों की, बच्चों को दुआएं देते हैं, बहनों के लिए दुआ होती है। तो अल्लाह ताला सबको ये तंदुरुस्ती से दे, सबको अपने जो भी कोई मकसद में काम करता है उसी में अल्लाह ताला पहुँचाए। तो इसके साथ मैं ये ब्लॉग का एंड करूंगी। क्यों असद? क्योंकि अजान का टाइम हो गया, इंशाल्लाह करोगी व्यूअर्स? अभी इफ्तारी का टाइम है, आंटी इफ्तारी करेंगी और आपको डेली रूटीन अब रोज नजर आएगी आंटी के डेली व्लॉग्स, और कल से इनके दोबारा से व्लॉग उसी तरह शुरू हो जाएंगे। तो हमें देखते रहे, लाइक करें, और अब आंटी करने लगी इफ्तारी। तो अल्लाह हाफिज़ मेरी तरफ से, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।